देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सब्जी ले ली है? ना चाहिए। अचार ले ली है? कौन ही ना चाहिए। अरे तो सूखल रोटी कैसे खाए बाप? कमाल बा, पूरी खाए नहीं तो कहलो कि मोटा हो जाता नहीं। अब सूखा रोटी खाते नहीं तो भी तुहरा प्रॉब्लम बा। करी तो का करी हम? अब तो इसी नाराज हो रहा बानी। ला, अब हम नाराज भी नहीं क्यों सकत। का करी हम? फिलहाल खातिर तो सिर्फ खाना खाई। एक करेला की सब्जी बनेनी हम। शुगर खातिर बहुत अच्छा हो खेला। हाँ, आज बच्चा लोग पिकनिक पे गए बड़े ना, यही से इतना प्यार उमड़ रहा पति दो पे, वरना तो कहा। कुछ कहानी आ? हमारे श्यामा दाल बका जन हम कुछ कहा। भैया शादी के 18 साल बाद इसने होला, बट डोंट वरी, आज के कोटा पूरा, अब कल तक के छुट्टी। अरे छोटा वो बाबूजी दिखा नहीं कर देते ना अभी तक तो खाना पे। भैया अपना कमरा में बड़े कोनो काम से, कुछ काम रहल? हाँ वो अपन लाइट वाला दुबे जी बड़े ना जी, उनकर यहाँ से जो लाइट आयल रहे वो जलत नहीं है। पंकज बेटा ओकरा खातिर काम करे के सही सलीका सीखे के पड़ेला। पुराना स्टॉक पड़ल हुई थमा दिला हमरा के, एडवांस भी गई। ऐसे कैसे जाए बाबूजी, अमाउंट छोटा सा बा लेकिन क्यों धोखा से तो निकल ले सकत ना, मेहनत की कमाई ऐसे थोड़े जाए दे। हम छोटका चल जाइए और सारा एडवांस ले आइए, छोटा तू चल जाइए। जी भैया। और हाँ बाप, उनका पुराना नाम सतेंद्र दुबे, साउथ टीटी नगर में रह ले। Excuse me? आप लोग? जी शैलेंद्र दुबे से मिले के बा। का काम बा? का काम बा? जी पैसा के बात बा, हमके मिस्टर पंकज सिंधिया भेजले बाड़े। ओ, तो सिंधिया जी भेजले बाड़े आप लोगन के? जब हमार बाबूजी फोन पे ऑलरेडी समझा चुकल बाड़े तो सिंधिया जी काहे भेजले? देखी हम ये एडवांस के पैसे वापस ना करब, अरे बल्कि पूरा पेमेंट तो आप लोग के करे के चाहिए। ये तो सरासर दादागिरी भाई। दादागिरी? अगर दादागिरी करे के होखत ना तो हम खुद पंकज सिंधिया के घर पे जाके पैसा वसूल लेती। समझनी? समझला। अच्छा जी। हाँ जी, अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। हेलो, समझ में ना आवेला का? आपके हिंदी समझ नहीं क्या आवाज? हाँ? हम कहनी ना आपसे, हम भी एडवांस के पूरा पैसा लेके जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मिनट। तोहरा जैसन लोगन खातिर ये हॉकी स्टिक रख ले बानी हम। कॉलेज में हॉकी टीम के कैप्टन रहनी, शॉट मार के गोल कैल अभी तक भूलल नहीं की। अब जयबा की दू एगो टीका एक। आपके समझ में ना आता का? दीकाए आरती बेटा, ये लोगन के मुंह मत लगा, लौटा दे हम इनका एडवांस। ना बाबूजी, हमने कहे दे इनका एडवांस वापस। हम वो देखा था नहीं कि कर हिम्मत होके ले यहाँ से पैसा ले जाएगी। ये गुंडा लोग तो हम बहुत बार देख ले बनी, लेकिन लेडी गुंडी पहला बार देख रहा बनी हम।
अरे बड़ा खतरनाक औरत की आई, और ओकर बच्चा के देखला कैसे ट्रेन करके रख ले बिया। पति तो बाना लेकिन फिर भी तेवर तो देखा, गुस्सा तो जैसे हमेशा नाक में लेके चले ले। चला सुबेर। जी सर। एक बार जा करके चेक कर ला कि गुप्ता जी के शादी की तैयारी हो गई बा कि ना। जी सर। का भाई दुबे जी के यहाँ से आवत बनी एडवांस वापस लेके आ गया। कैसन पैसा भाई, भूल जाए पैसा वैसा, एगो ढेला नहीं खे मिले वाला हमनी के। अरे दुबे जी तो गुंडा पाल रख ले बड़ा, हमारा मतलब गुंडी, हॉकी वाली गुंडी, और उकरा संगे पॉकेट साइज गुंडा भी। सीधा सीधा बताओ कि बात का बा भैया, दुबे जी तो पैसा देवे खातिर तैयार रहले। पता ना के रहलू उनकर बेटी है के कहे लगल कि उनकर लाइट्स में कोनो प्रॉब्लम नहीं खे, और हम जब समझावे की चाहनी तो हॉकी स्टिक लेके हमके मारे आ गई। अच्छा हम भी देखा था नहीं कि एडवांस कैसे वापस नहीं मिला था। भोपाल में वालों के बिजनेस करे पा कि ना, फोन लगाओ। जी भैया। हेलो। हेलो दुबे जी प्लीज। जी आपके। हम सिंधिया, यश सिंधिया। देखी आप जिनका हमनी के घर पैसा वसूल करे खातिर भेजे ले रहनी, हम उनका साफ साफ समझा दे ले बानी कि हमनी पैसा वापस ना करब। अरे जब हमनी के गलती बा ही ना तो हमनी पैसा वापस काहे करी। आपके के कहल के गलती आपके नहीं के, आपके जो लाइट रहे आप जे लाइट्स मंगवेले रहनी वो 220 वोल्टेज पे चलेला। अगर इतना लोड आपके जनरेटर ना उठा पा रहा तो मैं हमनी का करी। उस समय जे आपके सुपरवाइजर वहाँ पर खड़ा रहे, हमने ये बात उनका की समझा दे ले रहनी, तब तो वो अपन गलती मान ले ले रहे। देखी हमनी से बहस करे से अच्छा बात कि आप अपन सुपरवाइजर से बात करी, वो आपके बता दिए कि गलती हमनी के नहीं खे। हमनी ना तक अब ऐसा गलती कर ले बानी, और ना ही हमनी से ऐसा कोनो गलती हो सकेला। इतना बड़ा लोग बानी आप, हमनी जैसा छोट छोट सप्लायर से एडवांस वापस मांगे में आपके शर्म ना आवेला। हमनी के पूरा पैसा चाहिए, और हाँ दोबारा हमनी के घर में ऐसा गुंडा के भिजवावे की हिम्मत मत करिए। चुपचाप पूरा रकम भिजवा दी, न तो हमरा के खुद आवे के पड़ी आपके घर में पूरा रकम लेवे के। आप सुनत आनी ना, आपके क्यों बतावल ना कि आप कुछ ज्यादा ही बोले नहीं, और जो लोग ज्यादा बोले ला वो लोग हमरा के पसंद नहीं के। जी जी आपके पैसा मिल जाए। हेलो हेलो भैया, इतना घाटा हो गई, आप तो एडवांस वापस मांगे खातिर फोन के लिए रहनी और पूरा पैसा देबे के वादा कर देनी, ऐसे का कह दिले सो गुंडू आपके। वे जो सच बा जो हमने के सुपरवाइजर हमने के ना बतावले रहे, पैसा भेज दा। बात तबाओ लेडी गुंडी में ना, तो बिजनेस के मामले में भाई की क्यों चुप करा दे। और सुना ट्रेन की रिजर्वेशन हो गई? जी भैया, शादी में बहुत मजा आई, और फिर हाँ तो तू लोग जाके एंजॉय करा ना, हमारे के जरूरी तो नहीं है। हाँ भैया सब लोग जा रहे बड़े, तो फिर आप भी चली ना। जाना तो नहीं कि दूसरे लोग के शादी में जाके हमरा खातिर लड़की ढूंढल जाए। यू आर राइट भैया, ये रोज रोज के झंझट से छुटकारा पावे के बाना तो एगो लड़की के हाँ कह दी, बस बात खत्म। ओ दुबे जी के बाकी के पेमेंट। सच कहीं अब हम भी चाहते नहीं कि आरती के घर बस जाए, लेकिन एक तलाकशुदा लड़की के दूसर शादी कर बहुत मुश्किल बा शोभा। कहे कि जोन समाज में हमनी के रहे नहीं, वो औरत और मर्द के अलग अलग नजर से देखेला। हम ऐसा समाज के परवाह न करे नहीं जहाँ ऐसे भेदभाव होखेला। तलाक हो गई तो का हो गई, जिए के फिर से अपन घर गृहस्थी बसावे के अधिकार न हका एगो औरत के। हम तो अपन आरती के दूसर शादी करवा के ही रहा। अच्छा वो
गुप्ता जी कोनो लड़का के बारे में बतावत रहला ना? हाँ, लेकिन हम तो घर बुलावे से भी डरायनी, कहीं आरती नाराज हो गई तो के मनावल हमार कामा बात तो शुरू करी। हाँ, लेकिन शोभा घर बुलावल ठीक ना लगा था। तैसन करल जाओ कि बाहर मिलवा देवे के दोनों के। अच्छा, अगर आरती के ना लेगा तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तभी बात के आगे बढ़ाई। तोहरा का लगत ऐसन होखी, मतलब आरती मान जाए? कई बार बात से बात ना बनेला, हमनी अंश के भी साथ मिले जाए। वो लड़का के व्यवहार अंश के प्रति अच्छा रहल तो हो सकेला कि आरती मान जाए? ना शोभा, पहला बार में बच्चा के साथ में मिलल सही नहीं लगत हमरा। काहे, इमें बुरा ही कहा, और हमनी के उसे छिपा तो ना रहल बानी ना कि आरती के शादी हो गई और एगो बच्चा है। शोभा शोभा, तू समझत नहीं खू, दुनिया में हर केहू के सोच तोहरा जैसा नहीं खे। अगर ऐसा होखत तो कोनो भी विधवा या तलाक शुदा के पुनर्विवाह ना होखत। अब गुप्ता जी से बात करी ना, और जल्दी से जल्दी लेका से मिले के प्रोग्राम बनाए। ठीक बा, हम कल खातिर ही बात कर लेता नहीं, लेकिन शोभा अंश हमनी के साथ ना जाई। चिंता मत कर, भगवान चाहिए तो सब ठीक हो जाए। ले बाड़ू को ना अच्छा सूट पहन ले तू। काहे माँ, क्योंकि शादी में थोड़े ना जा रहल मानी, शॉपिंग करे तो जा रहल बानी, वो हिसाब से तो ठीक है बा ना? अंश, मम्मी के सूट अच्छा नहीं खे ना? काबिल तो रखे माँ, आप ही ड्रेस पहन के चलब तो हम आपके साथ ना जाए। अच्छा, जब बड़ा हो जाई है ना तब अपन गर्लफ्रेंड की ही बात बोलिया। इमें शर्मावे की कोनो बात नहीं है, और वैसे भी तू हमरा साथ शॉपिंग पे ना स्कूल जाता रहा, समझला? माँ, लेकिन आप हमके स्कूल भी तो छोड़े आई बु ना। देखा यन चिकी तो बोल रहा ला, एक स्कूल छोड़ते ही तो जाइब हमनी। बकाई कर दिल दुखावे लो, बदल ला ना कपड़ा प्लीज, अंश खातिर बदल ला ना। ठीक बा, बदल लेता नहीं, बदमाश कहीं के। जी जी, हम आपसे बाद में बात करते नहीं। अच्छा जी, नमस्ते। कहा कहलो सारती? तैयार हो रहा बाड़ी। अच्छा, आप लड़का के बता देनी ना कहाँ मिले के। हाँ हाँ, गुप्ता जी से बात हो गई बा, वो टाइम पे पहुँच जाये। तू हो कैसे बात कर रहा बाड़ू, हम थोड़े ना लड़का से पहले मिले बनी, जोकरा से पूछती और डायरेक्ट बात कर लेती। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, नाम कहा लड़का के? नाम, अरे अच्छा सा नाम कह ले रहे हो हमरा। हाँ, रघु दयाल। का बहिल, तू चल, हम नहीं आवत आने। गुप्ता जी बतावत रहले अपन बड़ी बहन के साथ आवे वाला बाड़े,
और मॉल में घुसत ही राइट साइड के पहला दुकान के सामने मिली है। अरे कहीं वो तो नहीं खान? अपन आरती से उम्र में बहुत बड़ा लग रहा ला। अगर वह तो हमके ना मिलवावे के आरती के उकरा से। अब आयल बनी तो मिल लेता नहीं। कहा फायदा हमके तो बिल्कुल जच ना रहा ला। गुप्ता जी का सोची है कम से कम। नमस्ते। दुबे जी बानी ना? जी। जी हम रघु दयाल। अरे बस बस खुश रहा। ये हमारी बड़ दीदी है। नमस्ते। बक्सर में यहाँ के ससुराल बा। जी आई आप लोगन के हम आरती से मिलवा देता नहीं। बेटा ही हमार दोस्त के बेटा रघु दयाल हमें ई आरती। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी के दोस्त के शादी बचपन में ही होगल रहेगा। उनकर बेटा की उम्र तो बाबूजी जितना बा। जी आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लागल। माँ हमरे साथ वो दुकान में चली ना, हमरा आपके कुछ दिखावे के बा। सुने ना आप जरा हमरे साथ वो दुकान में चली ना, साड़ी पसंद करे के बा। प्लीज आई ना प्लीज प्लीज आई ना आई ना आई ना प्लीज। बाबूजी हम अभी आवता नहीं। कुछ सूट्स दिखाए ना प्लीज। हमरा आपके लेके पसंद भी अंकल जी। अरे ना ना ये आप पे सूट ना करी। अरे वो वाला दिखावा, वो वाला ये देखे, ये डिजाइन आप पे इतना जची ना, ये पर आम भी बनल बा। ये लेटेस्ट डिजाइन है, आप पर खिल के आई। जी ना थैंक यू। अरे रुकिए हम आपके खातिर दूसरा पसंद करते नहीं। देखिए जी कितना प्यारा दुपट्टा बा, कढ़ाई वाला, ये आपके ऊपर बहुत खिली। आप एकरा के ली और एकरा के उतार दी। तू हमरा के थप्पड़ मर लू। भाई बेटा सब ठीक था? रघु का बात हो? आरती तू चुप का है बाड़ू, का होइला बेटा? का बताई माँ, इतना देर से अपन मर्जी थोपल जाता नहीं हमरा ऊपर, हम चुप रहनी। बाकी इनकर हिम्मत कैसे भइल हमर कंधा से दुपट्टा हटावे के? अरे तक का हो गईल, हम तेरा साथे कोनो बदतमीजी करनी का, कहीं टच करनी का? ना ना, अरे हम तो ऐजा तहार सास ससुर के बुलेला पे आइल रहनी। बार बार कहत रहलो की आके लड़की देखा है, और अगर हमरा के लड़की छेड़े के रही तो हम अपन दीदी के साथ में लेके आती का? भलाई के तो जमाना ही नहीं खे।
देखी रघु जी शांत हो जाये। बस बस आप तो रह दी। अरे कैसे शांत हो जाये, इतना सारा लोगन के सामने बेइज्जती कर ले भाई हमारे भाई के, और आपको हतले शांत हो जाए। केहू के मदद करे के तो जमाना ही नहीं है। हम तो तारा पे एहसान करत रहनी एहसान, वरना हमरा जैसन काबिल लड़का के लड़की के कमी बाका जो तारे जैसन तलाकशुदा से शादी करी हम। बिल्कुल सही कह रहा बा, एकदम सोला आने सच कह रहा बा हमारे भाई। देखिए आप लोग शांत हो जाएं, भीड़ जमा हो रहा है, सब लोग देख रहा बाड़े, सब लोगन के सामने हमने के तमाशा मत बने। कहे धीरे बोली हम, थप्पड़ तो बड़ा जोर के मरने रहली आपके तलाकशुदा बहू। इनकरा से मुंह लग के कोई फायदा ना, चला बेटा। अरे ऐसे कैसे चल जाए लोग, अरे रुकी आप, अरे समझे ले का आपने आपके है? कहीं के परी बड़े काते घमंड को ना बात के बात आ रहा, यह लक्षण देख के तहार पति तहारा के छोड़ के भाग गई हुई। अब भागत कहाँ बड़े, तू रघु दयाल के थप्पड़ मरले बारू, तहारा के छोड़ेम ना हम। अरे रोक, तहारा के छोड़ेम ना। अरे जा जा, अरे का कर तू लोग, अरे नक्चड़ी के दूसर शादी करावे के चाह तरा लोग। अरे लड़की के बात करके तमीज तक ले नहीं के, एकरा के तो घर में बांध के रखा, जिंदगी भर ठोकर खाइबू। ये बद्दुआ हा हमार, केहू तहार हाथ ना थामी, कब तहार शादी ना हुई, कब तहार शादी ना हुई। बेटा अनजाना में हमरा से भूल हो गई, अगर पता होकर तब कबो भी हम ऐसा ना करते। आरती हमने पे भरोसा करा तो हर बाबूजी की ना पता रहे कि उकर इतना उम्र है। गुप्ता जी तारीफ कहनी था, हमने सोचने कि एक बार मिलने वल जाओ, हमके माफ कर दा बेटा। या का कहता नी माँ, बाबूजी गलती तो हमार बा, पता ना अपन गुस्सा पे काबू ही ना रख पाई, कब हाथ उठ गए समझ में ना आए, और तो और रघु जी से सॉरी भी ना बोल पाई, न जाने आप लोगों के बारे में वो लोग का सोचत हुई। हमार वजह से आप लोगों के सिर झुक गए, ये हमरा बिल्कुल मंजूर नहीं के, और वैसे भी ये अनाथ के आप लोगों के अलावा बाबी के। आरती कितना बार कहानी अपना आप के अनाथ न कहे क्या, और हम भी कितना बार कह ले बानी माँ, हमरा से माफी मत मांगल करी, ना तो हम नाराज हो जाए। अच्छा बाबा ना मांगा तब तो ठीक, हम किचन में जाके अपन नटखट राजकुमार खातिर खाना बनावा तानी, स्कूल से आवत हुई बहुत भूखा हुई, भूख के मारे पूरा घर के अपन सिर पे उठा ली। अच्छा सुन, ओ पीर बाबा के दरबार में जाए के बात होइल रहे, वहाँ चलबू, अंश के भी छुट्टी और बहुत दिन से हमके जाए के मन है। आप जाना था नीन माँ, दरगाह पे जाए खातिर हम कबो मना ना करब, आपके जब जाए के होके बता दे, हम नहीं चलब। हो सके तो कल के ही टिकट करवा ले। हम स्टेशन जाके देखा था नहीं, ऊपर का कर अलबानी, नीचे आई गिर जाई ना गिरा, बाकी जरूरत का बा ऊपर बैठे के अच्छा लगेला। माँ सुसु देखनी, तब से कहत रहनी नीचे बैठा, हर आधा घंटा में दाब के सुसु आवेला। एक मिनट हम देखत नहीं, आजा बेटा आजा 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 नीचे आजा जल्दी। शाबाश, चप्पल पहन ला चले ना, हम अकेले जाए बड़ा हो गई निया। अरे अंश संभाल के, अंश
अंश आराम से अंश अंश गिर जाएगा अंश अंश आराम से इतना बंद बा ओहो कहा खरा तर अंश मामा आ रहा बाड़ी रुका हम बाहर ही खड़ा बानी हाँ जाइए अंदर मम्मी जी आ भी ली विधि पराठा तो दे दिलो सब्जी भी दे दा वरना बाद में कबू कि हम सूखा खा राल बने अच्छा मम्मी जी आपके याद है जब पिछला साल हमने पीर बाबा के मजार पे चादर चढ़ा के वापस आवत रहनी तभी प्रतीक भैया के पोल खुल गए रहे और बहुत मुश्किल के बाद हमने बाबूजी के प्रतीक भैया के रिश्ता खातिर राजी कर लेनी अब अगर ई बार भी बाबा के मेहर रहे तो एक ना ई घर में दुद्दू बहु आई एक साथ वही का फोन होगी आजकल के लेकिन के तो शर्म बटले नहीं खे शादी अपन तक भैले नहीं खे और दिन में चार चार बार फोन हेलो अरे सुसु कर लेला और जिप फेर बंद कर भूल गयला चली हाथ धोई आई माँ ओजा कहा वो एसी कंपार्टमेंट बा अंश सॉरी अंश अंश अगर अब तू हमारे हाथ छोड़ के भागला तो तू देखिए चला अरे कहाँ जाता नहीं पहले टिकट दिखाई टिकट जी टिकट तो हम एक्चुअली सेकंड क्लास अच्छा अच्छा सेकंड क्लास का टिकट लेके आप ऐसे क्या हवा खाई लाल मनी ना ना सर ऐसा कोनो बात नहीं के छोट बच्चा हाथ छुड़ा के भाग देखी ऐसा बहाने हम रोज सुने नी आई लव यू ओके बाय बाय छोटा बच्चा या तो आप टिकट दिखाई ना तो फाइन वरी ना तो जेल चली कॉलेज में हॉकी टीम के कैप्टन रहनी शॉट मार के गोल कैल अभी तक भूल ही नहीं की भाई साहब जी पैसा के बाद बा हमके मिस्टर पंकज सिंधिया भेजले बड़े तू हमनी बात में बात कर ली का भेल भाई साहब कोनो प्रॉब्लम अरे सेकंड क्लास का टिकट लेके ऐसे क्या हवा खाए चला पढ़ा लिखा लोगे ऐसा करिए तो हो चुकल अरे ना भाई साहब आप इनके गलत समझत बनी ई रहा इनका टिकट एसी के भाभी बड़ी हमार नाम का बा विधि अरे भाई साहब हम आपके बतौनी ना हम लोग पूरा फैमिली एक साथ ही बनी सॉरी मैडम आप ठीक तरह से जवाब ना देते रानी
यही से हम सोचने की आप विदाउट टिकट मानी ये ली। थैंक यू। देखनी हॉकी स्टिक से धुनाई करे चल रही आप हमार और फिर भी बचा लेनी हम आपके और वो फिर का कह रहनी आप कि कॉलेज के हॉकी टीम के आप कैप्टन रहनी फिर अगर कॉलेज गए रहनी तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी आओ तो की ना हमार मतलब थैंक्स नाम के वर्ड सुन लो कहे आवेला हम रखे और इतना पढ़ल लिखल भी बानी और इतना तमीज भी रखे नी हमार छोड़ी आप अपन बताई आप जैसन लुच्चा लफंगा ये एसी कंपार्टमेंट में का कर रहल बा का करे तानी गुंडा वाला भाषा और दादागिरी छोड़ ना ऐसे ऐसे कहाँ जा रहल बनी आप इतना भी ना मालूम पीर बाबा के मजार पर कितना बात करे ला तू अंश थैंक यू ये सुने चाहत रहनी ना आप वैसे आपके भाई के हम पूरा हिसाब किताब समझा देले बानी लाइट के पैसे भिजवा भी देले बड़े हूँ काफी समझदार लगा तड़े हूँ कुछ सीखिए उनका से चला अंश अगर अगला बार हमारा हाथ छुड़ा के भगला तो देखा हम का कर पानी उस दिन डांट डपाट के भाई के बोलती बंद कर दिलस और आज भाई की तारीफ कर रहे भैया दिन रघु दयाल जोन बर बवाल कैलस ना ओकरा बाद ऊ आरती से शादी करे के बात करे के हिम्मत नहीं के करल थोड़ा समय दे ही सब ठीक हो जाए ना शोभा एक बच्चा के साथ कोनो भी आदमी आरती के अपनावे खातिर कबूत तैयार ना होखी आप ऐसन काहे सोच रहल बा कि यह सच बा हमके तो एक ही गो रास्ता नजर आ रहल बा कि अगर हमनी अंश के अपन पास रख ली तो शायद आरती की शादी ऐसन बात सिर्फ एगो मर्द ही कह सकेला आपके का लगेला आरती अंश के बिना जी खातिर राजी हो जाए कब्बो ना अंश आरती के जान होकर जिंदगी है तो हार कहल सही बा लेकिन शोभा कुछ ना कुछ तो करे के होखी ना हमनियो के गो बेटा बा जिकरा बिना हमनी जिए के कल्पना भी ना कर सकत रहनी मगर का भेल भुला देनी ना ओकरा जी रहल बानी ना ओकरा बगैर फिर वैसा ही आरती भी अपन बेटा के भुलावल हमनी के अपन मर्जी रहे ओकर साथ छोड़कर हमने अपन बहू के साथ देनी लेकिन आरती के साथ ऐसन कोनो मजबूरी नहीं के देखा शोभा हमार बात ठंडा दिमाग से सोची है एकरा में कोनो बुराई नहीं के अभी साल भर भी नहीं के भैल हमनी के भोपाल आईला और इतना सारा लोग हमनी के जन्मो ना करे ले कई लोग के तो यो नहीं के पता कि आरती हमनी के बहू ही है कि बेटी शोभा तलाक शुदा लड़की के पुनर्विवाह करवावल बहुत मुश्किल है यही खातिर अगर हमनी आरती के पुनर्विवाह करवावे के बाद तो कर एक दो बात पे पर्दा डाले के पड़ी समझ रहल बाड़ू ना हमार बात के तू अंश अंश आराम से ऐसे भागा मत आजा 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 हमार बच्चा हम जीत गए नहीं आपके लाड प्यार ही बिगड़ ले बा एकरा के आज तो हमरा के हाथ कड़ी लगवा ही दे ले रहे वो तो भला होके वो लफंगा के जी हमरा के बचा ले लस लफंगा कौन लफंगा माँ 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 हमार बात तो सुना हम सच कर रहल बड़ी कुछ तो बात बाव लड़की में कबो इतना तेज कि अच्छा अच्छन के डरा दे और कबो इतना भोलापन कि आप अपन सारा काम भूल कर ओकर हेल्प कर में मजबूर हो जाए पति नहीं खे होकर एगो बेटा बा थोड़ा बदमाश बा लेकिन लेकिन हमके अच्छा लगेला कैसन बहकी बहकी बात कर रहा बड़ा तू प्रति अपने भाई खातिर ऐसा लेके पसंद कर रहा बड़ा जो एक बच्चा की माँ है अरे यश पहले ही दूसरे शादी के नाम से भड़क जाला बेटा ऐसे ए तरह के लड़के से बात करे के तो आप हमार बात तो सुनी
माँ पापा भी तो ऐसा बहुलाव चाहत बढ़ ना जिनमें छोर होके समझदार होके और जो भाई के बेटियन के संभाल सके। और फिर भाई भी तो कहले बड़े ना कि उनके लड़की ना बच्चन खातिर माँ चाहिए। और हम कौन सा कारण बन कि फौरन अभी शादी करा दी, एक बार मिल तो ली। हाँ मम्मी जी, प्रतीक भैया सही कह रहा बड़न, एक बार देख लेवे में कहा अर्ज। हाँ। प्रतीक भैया गलत ना कह रहा बड़न। अरे विधि, मम्मी जी एक बार देख लेवल जाओ। अच्छा भैया वो लड़की कहाँ बड़ी? आगे सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में। अब सेकंड क्लास में की जाए? और अगर सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में जाए की जरूरत ही ना पड़ता। मतलब? आई माँ भाभी आई। अरे आई ना। कहाँ बाड़ी भाभी? उरहल ओ दुकान पर के। अरे उरहल भाभी बच्चा के संगे। देखे में तो भाला लगे ली, पर भाईल का हो कि अगर पति के साथ है? भाभी वो तो बात करके ही पता चली ना। अरे लेकिन बात कैसे करब, ट्रेन तो ऐजा पर थोड़ा देर खातिर ही रुकेला और इतना कम समय में तो ठीक से बात भी ना हो पाई। पता बा भाभी, वो भी हमनी की तरह पीर बाबा के मजार पे जा रहा लिया, चार घंटा बा हमनी के पास सोचे खाते और फिर फुर्सत में बात भी कर लिया जाए। का कहत बनी? की अपने बच्चा के देखे या फिर बिन माँ के यश के बेटियन के? पायल और पलक के अगर आप लोग ख्याल नहीं रख सकत तो हमरा के बता दी, पर भगवान के वास्ते हमारे बच्चन के कोनो नौकर के भरोसे अकेले मत छोड़ी। चले चले ट्रेन जा रहा ला। भाई का खिचड़ी पकत रहे बाहर? खिचड़ी ना पुलाव पकत रहे, और जब बन जाए तो आपके भी दे दे। कबो तो कोनो बात के सीधा जवाब दिया करा। शादी के 12 साल के बाद यह हाल होकेला, हर सवाल के टेढ़ा जवाब। अब सीधा जवाब खातिर सवाल भी तो सीधा होके के चाहिए कि ना। विधि जी आईनी जी। मम्मी जी चलो लड़की के माँ से बात करके आवल जा। अभी? हाँ अभी है। हम सोच ले रहे बानी। चल सुनी जी।